अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन तंतुरी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा। मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी का पिता टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था। अरे टुन्नू, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। सेठ जी, ये मेरी बेटी है टुनटुनी। मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। सुंदरी कौवी मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूँ। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। कैसा पानी है? मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तुमने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। मिलना चाहता हूँ, काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। उस समय कड़कनाथ और सुंदरी कौवी सो रहे थे। टुनटुनी दरवाजा खटखटाने लगती है। परेशान क्यों कर रही हो? कौन सी आफत आ गई? चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे, चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है और कालू को टुनटुनी पर दया आती है, लेकिन कालू कौवा कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बेवजह पीट रही होती है, तभी कालू कौवा वहाँ आता है और टुनटुनी को बचा लेता है। माँ, आपने जरा सी भी दया नहीं है। कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी। मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी। मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी। तुम अब अकेली हो। तुम बुरा ना मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी इसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ
खुशी खुशी रहते हैं।